हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई एम श्योर कि आप सब बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम मदर्स डे लेसन की समरी डिस्कस करेंगे, जो समरी बहुत ही बढ़िया है, मज़ेदार है, फनी स्टोरी है। एक मदर के बारे में है, किस तरीके से वो अपनी फैमिली पे कंट्रोल करती हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में उनके बच्चे और उनके हस्बैंड उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, उनको एक एज अ सर्वेंट ट्रीट करते हैं, बात करने का कोई तरीका नहीं है। मिसेस पियर्सन चाहती थी कि उनके घर में उनकी इज्जत हो, वो अपनी फैमिली की ओन मास्टर बन जाए। इसके लिए वो कैसे एफर्ट करती हैं, कौन उनकी हेल्प करता है, क्या क्या ड्रामेबाजी होती है उनके घर पर, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इसकी समरी की तरफ। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस लेसन की स्टार्टिंग होती है मिसेस पियर्सन के घर से और लिविंग रूम का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि लिविंग रूम में मिसेस पियर्सन और उनकी एक फ्रेंड मिसेस फिट्ज़रॉल्ड बैठे हुए हैं। जब पर्दा उठता है स्टेज का तो हम ये देखते हैं कि दोपहर का टाइम होता है और मिसेस फिट्ज़रॉल्ड एंड मिसेस पियर्सन ये दोनों गॉसिप कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड एक एस्ट्रोलॉजर हैं और मिसेस पियर्सन के घर के बगल में ही रहती हैं। एक्चुअली मिसेस पियर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता है और कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं करता है, चाहे वो उनका बेटा हो, बेटी हो या फिर उनके हस्बैंड हो। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड मिसेस पियर्सन को काफ़ी समझाती हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, आप बहुत ही ज़्यादा पैसिव हो। अगर हम कंपैरिजन करें मिसेस फिट्ज़रॉल्ड और मिसेस पियर्सन के बीच में, तो मिसेस फिट्ज़रॉल्ड जो कि एज में मिसेस पियर्सन से बड़ी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हैवी वॉइस है इनकी और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। दूसरी तरफ मिसेस पियर्सन हैं, वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पैसिव हैं और वो किसी को कुछ भी बोल नहीं पाती हैं। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड बोलती हैं कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली में बॉस बनना है तो तुम्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और तभी तुम्हारे घर वाले तुमसे सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि मैं हिंट दे चुकी हूँ। तो मिसेस फिट्ज़रॉल्ड बोलती हैं कि केवल हिंट से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और ही करना पड़ेगा। मिसेस पियर्सन जो कि हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचती हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, कहती हैं कि मेरे लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि घर का माहौल अच्छा रहे, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का माहौल ख़राब हो जाए। तो मिसेस फिट्ज़रॉल्ड बोलती हैं लेकिन तुम्हें अपना खुद का मास्टर बनना है ना, तुम चाहती हो ना कि तुम उन लोगों को ठीक कर दो, क्योंकि इस तरीके से फैमिली भी ख़राब हो रही है और वो लोग ना दिन पे दिन ना स्पॉइल होते जा रहे हैं, तो तुम्हें कोई अच्छा स्टेप उठाना चाहिए। काफ़ी समझाने के बाद मिसेस पियर्सन बोलती हैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर मिसेस फिट्ज़रॉल्ड श्योर हैं कि मिसेस पियर्सन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो वो इसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढती हैं। तो मिसेस फिट्ज़रॉल्ड जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स ईस्ट के साइड से सीखी भी हुई थी। तो मिसेस फिट्ज़रॉल्ड से बोलती हैं कि तुम इधर पे आओ, टेबल पे बैठो, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनालिटी चेंज करेंगे। तो क्या होता है कि ये दोनों ना अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं। मींस अब मिसेस पियर्सन के अंदर जो स्पिरिट है वो स्पिरिट है मिसेस फिट्ज़रॉल्ड की और मिसेस फिट्ज़रॉल्ड के अंदर जो स्पिरिट है वो है मिसेस पियर्सन की। अब तो बच्चों यहाँ पे कमाल ही हो जाता है, कमाल ये हो जाता है कि जैसे ही मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्ज़रॉल्ड की स्पिरिट आती है तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। मिसेस पियर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है जब उनके अंदर मिसेस फिट्ज़रॉल्ड की पर्सनालिटी आ जाती है, उनकी स्प्लिट आ जाती है। अब ये दोनों डिस्कशन करते हैं और मिसेस फिट्ज़रॉल्ड बोलती हैं कि कोई तुम्हारे घर पे आ जाए इससे पहले कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हें अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे सुधारना है। इतना कह के मिसेस फिट्ज़रॉल्ड यहाँ से चली जाती हैं। अब एंट्री होती है डॉरिस की। डॉरिस जो कि मिसेस पियर्सन की बेटी है, काफ़ी बिगड़ी हुई भी है, बहुत ही गंदे तरीके से अपने माँ से बात करती है। तो डॉरिस अपनी माँ से पूछती है, मींस मिसेस पियर्सन से पूछती है कि क्या आपने मेरी जो येलो सिल्क की ड्रेस थी उसमें आयरन कर दिया है, और मुझे क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे आज चार्ली स्पेंस जो कि डॉरिस का बॉयफ्रेंड है बताती है कि मुझे उसके साथ आज आउटिंग पे जाना है।
तो मिसेस पियर्सन कहती है, तुम्हें उसके साथ आउटिंग पे क्यों जाना है, क्या तुमने पूछना ज़रूरी नहीं समझा? उसके 40 पेंस के साथ उसके तो बक टीथ है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखता है वो। जब मैं तुम्हारी एज में थी ना, तो तुमसे कहीं अच्छे लड़के मेरे पास थे और मुझे ना इसी के लिए वेट नहीं करना पड़ता था। इतना कहती है तो डॉरिस रोने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। सरप्राइज होने के कई रीज़न थे, जैसे कि सबसे पहला रीज़न कि जब वो घर पे आती है तो वो अपनी माँ को देखती है कि उसकी माँ स्मोकिंग कर रही होती है, और शायद मिसेस पियर्सन कभी स्मोकिंग नहीं करती हैं। पहले तो डॉरिस ये देख के सरप्राइज हो जाती है। सेकेंड नंबर पे उसकी माँ का बिहेवियर एटीट्यूड एकदम चेंज होता है, अजीब तरीके से बात कर रही होती है, एकदम स्ट्रिक्ट टोन में, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे ऐसे बोलने से इसको डॉरिस को कैसा फील होगा। तीसरी चीज़ ये कि वो चार्ली स्पेंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी, जो कि डॉरिस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। चौथी चीज़ ये कि उसकी माँ ने मिसेस पियर्सन को पता था कि बच्चे उसके हस्बैंड आने वाले हैं, फिर भी उन्होंने खाने के लिए कुछ तैयार नहीं किया था, इवन टीवी तैयार नहीं की थी। इन सभी चीज़ों की वजह से डॉरिस बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और तो वो सबसे ज़्यादा अपसेट तब होती है जब उसकी माँ चार्ली स्पेंस के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं। डॉरिस बहुत तेज़ रोने लगती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अब बच्चों यहाँ पे एंट्री होती है सीरियल की, सीरियल जो कि मिसेस पियर्सन का बेटा है, ये भी बिल्कुल सेम डॉरिस की तरह ही है। जैसे ही ये घर पे आता है तो कहता है कि क्या चाय तैयार है, उसमें बोलती नहीं मैंने चाय नहीं बनाई है, तो कहता है क्यों, आपको ये पता है कि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और आपने अभी तक कुछ भी रेडी करके नहीं रखा है। तो मिसेस पियर्सन उसको एकदम से मना कर देती हैं कि हाँ मैंने अभी तक कुछ भी रेडी नहीं किया है। तो बोलता है क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बोलती नहीं मेरी तबीयत ठीक है, बट आई जस्ट ओनली वॉन्ट अ चेंज, मुझे केवल एक चेंजमेंट चाहिए। सीरियल भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी माँ के बिहेवियर को देख के। उतने में ही डॉरिस नीचे आती है तो डॉरिस की आंखें एकदम रेड होती हैं। तो सीरियल उससे पूछता है क्या बात है, क्या हो गया तुम्हारे साथ? तो डॉरिस को सारी चीज़ें बताती है। तो वो कहता है सीरियल की हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, माँ केवल तुम्हारे साथ ही नहीं अजीब बिहेव कर रही है, मेरे साथ भी अजीब सा बिहेव कर रही है। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि उनके सिर में कोई चोट लग गई हो या फिर वो पागल हो गई हो? आखिर बात क्या हो सकती है? और अभी अभी मैंने उनसे पूछा क्या आपकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हाँ उनकी तबीयत ठीक है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसके बाद मिसेस पियर्सन ना वाइन पीना स्टार्ट करती हैं। जब वो वाइन पीती हैं तो ये देख के सीरियल और जो डॉरिस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ये मेरी माँ को हो क्या गया है। यहाँ पे डॉरिस और जो सीरियल होते हैं वो बात करते हैं कि हम लोग 8 घंटे काम करते हैं पूरा, और 8 घंटे काम करने के बाद थक के घर आते हैं, उसके बाद भी हमें कोई चीज़ तैयार नहीं मिलती है। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि मैं भी 8 घंटे ही काम करूँगी अब से, और मैं 2 दिन वीकेंड में मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। तुम लोगों को भी तो छुट्टी मिलती है, वैसे भी मुझे भी वीकेंड पे मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी, मैं वो काम करूँगी जो मेरा मन करेगा, बट कोई बाइंडिंग्स नहीं है। और अगर तुम लोग 8 घंटे काम करते हो ना, तो मैं भी 8 घंटे काम करती हूँ, और सुबह से लेकर अभी तक के मेरे 8 घंटे पूरे हो चुके हैं, और अब मैं बिल्कुल भी खाना बनाने के मूड में नहीं हूँ, ना ही मैं खाना बनाऊंगी। अब डॉरिस और सीरियल को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, मेरी माँ के साथ ऐसा क्या हो गया जो इतना गंदे तरीके से बिहेव कर रही हैं। फाइनली यहाँ से जो सीरियल होता है वो भी किचन की तरफ जाता है और कहता है कि मैं खुद से कुछ अपने खाने के लिए मैं अरेंज कर लूँगा। अब बच्चों यहाँ पर एंट्री होती है जॉर्ज की। जॉर्ज जो कि मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं, बहुत ही शो ऑफ करने वाले हैं, बहुत ही फैटी हैं, जिसकी वजह से धीमे धीमे चलते हैं, बट हाँ डिसेंट इंसान हैं। जब वो यहाँ पे आए हैं तो वो देखते हैं कि डॉरिस को सुबकते हुए, तो जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या बात है। तो डॉरिस बोलती है कि आप माँ से ही पूछ लो कि क्या बात है, मुझे बताने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब जॉर्ज डॉरिस से बात कर लेता है तो वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि घर पे कुछ हुआ है, तो फिर ये रो क्यों रही है डॉरिस? तो मिसेस पियर्सन की तरफ टर्न होता है तो देखता है कि मिसेस पियर्सन बियर पी रही होती हैं। बहुत ही सरप्राइजिंगली बोलता है कि बियर, तुम बियर पी रही हो, वो भी दिन के इस टाइम पर?
उसने कहा, हाँ मैं बियर पी रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्या इस टाइम मैं बियर नहीं पी सकती हूँ क्या? जॉर्ज बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये एनी मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। और यहीं से हमें पता चलता है कि मिसेज पियर्सन का रियल नेम एनी होता है। अब फ्रेंड, मिसेज पियर्सन जॉर्ज के साथ ही बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बिहेव करती हैं। जॉर्ज कहता है कि आज के लिए तो मेरे लिए चाय मत बनाना, क्योंकि आज की रात मुझे क्लब जाना है और मैं वहीं टाइम स्पेंड करूँगा और शायद मैं कुछ खा भी लूँगा। मिसेज पियर्सन बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ बार पे, मुझे कोई इशू नहीं है, क्लब पे जाओ तो। और तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे जो दोस्त हैं, जो तुम्हारे वहाँ पे कलीग्स हैं, वो तुम्हारा कितना मजाक उड़ाते हैं। बोलता, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, इवन वो तो तुम्हारा, तुमको बड़ा प्यार से बुलाते हैं, तुम्हारा उन्होंने नेम भी रखा है पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो सब तुमको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कह के पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाते हैं। जॉर्ज को ये बड़ा ही एम्बेरस फील होता है। इतने में ही एंट्री हो जाती है सिरिल की। तो सिरिल से पूछता है कि सिरिल तुम ये बताओ, तुम भी तो मेरे साथ कई बार क्लब गए हो, तो क्या कुछ ऐसा है कि आपकी मेरे कलीग्स और जो क्लब के मेंबर्स हैं वो पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं? तो सीरियल ये बात सुन के बड़ा एम्बेरस फील करता है, थोड़ा सा हेजिटेट भी होता है बताने को, लेकिन फिर वो अपने फादर से कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और वहाँ पे लोग आपका मजाक बनाते हैं। जॉर्ज ये बात सुन के वहाँ से उठ के चला जाता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन है वो सीरियल से बात करती है। सीरियल उनसे कहता है कि आपको फादर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि ये सबका अलग अलग तरीका है, केवल तुम ही लोग तो हर्ट हो सकते हो, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, ना ही मुझे कोई हर्ट करता है। और उनको ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन के घर का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा टेंसफुल हो चुका है मिसेस पियर्सन के एटीट्यूड और उनके बिहेवियर की वजह से। बट घर में कोई भी ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार इनको हो क्या गया है, ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हैं। इसी टाइम पे मिसेस फिट्ज़रॉल्ड डोर नॉक करती हैं और आवाज़ आती है। तो सीरियल बोलता है कि शायद मुझसे ही कोई मिलने आया होगा, मैं ही जाके देख लेता हूँ। तो जब सीरियल जाता है और डोर खोलता है तो मिसेस फिट्ज़रॉल्ड मिलती हैं वहाँ पे। तो वो अंदर आता है और मिसेस पियर्सन से बोलता है कि वो तुम्हारी फ्रेंड मिसेस फिट्ज़रॉल्ड आई हैं, और उनको बहुत ही गंदा वर्ड बोलता है पुरानी बोरी, एक पुराना सेक जो तुमसे मिलने आया है। मिसेस पियर्सन की बात सुन के कहती हैं कि उनको ऐसा दोबारा से मत बोलना और जाओ उनको अंदर लेके आओ। सीरियल जाता है, मिसेस फिट्ज़रॉल्ड को घर के अंदर ले आता है। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड सीरियल से पूछती हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। सीरियल मुंह बना के बोलता है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। इतने में ही मिसेस पियर्सन बोलती है, क्यों कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, और चुप रहो। तो सीरियल बहुत ही गुस्से में और तेज़ बोलता है कि मैं क्यों चुप रहूँ, मैं चुप नहीं रहूँगा। मिसेस पियर्सन बोलती है, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है, सिली स्टूपिड लड़के, स्पॉइल्ड बच्चे, मैंने तुमसे कहा है कि चुप हो जाओ, इसका मतलब कि तुम चुप हो जाओ। जब मिसेस फिट्ज़रॉल्ड इस तरीके का बिहेवियर देखती हैं मिसेस पियर्सन का, तो बोलती है, अरे कोई बात नहीं। तो मिसेस पियर्सन बीच में ही मिसेस फिट्ज़रॉल्ड को टोकते हुए कहती हैं कि मिसेस फिट्ज़रॉल्ड, प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली को मैनेज करने दो और आप अपनी फैमिली को देख लो। फिर मिसेस फिट्ज़रॉल्ड कुछ भी नहीं कहती। इतने में ही डोरिस आ जाती है। जब डोरिस आती है तो उसकी आंखें एकदम रेड होती हैं। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड से पूछती हैं कि क्या हुआ डोरिस, तुम आज तुम 40 पेन से मिलने जाने वाली थी, तुम गई नहीं हो, और ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है, अजीब सी बात है। तो यहाँ पे जो डोरिस होती है वो बहुत ही गंदे तरीके से जवाब देती है कि आपको इससे क्या करना कि मैं मिलने नहीं गई हूँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको, और आपको नहीं पूछना चाहिए था। मिसेस पियर्सन जैसे ही बात सुनती हैं बहुत तेज़ उसको डांटती हैं और बोलती हैं कि जो मिसेस फिट्ज़रॉल्ड ने पूछा है उसका कायदे से आंसर दो, इस तरीके से बिहेवियर मत करो, अदरवाइज सीधा यहाँ से जाओ, ऊपर अपने कमरे में चले जाओ यहाँ से छोड़ के। उसके बाद जो डोरिस होती है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली मिसेस फिट्ज़रॉल्ड को आंसर देती हैं कि मैं इसलिए मैं नहीं गई हूँ आज मिलने, क्योंकि मेरी मदर को लगता है कि जो 40 पेंस है उसके बक टीथ हैं और वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिली है, इसलिए मैं मिलने नहीं गई हूँ। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एंट्री होती है जॉर्ज की। जो जॉर्ज है वो भी वहाँ पे बैठा हुआ है।
मिसेस फिट्ज़रॉय से उस कहता है कि आपको शायद अभी यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, आपको जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें सिक्स एंड सेवन्स में हैं। सिक्स एंड सेवन्स का मतलब है सारी चीज़ें बेतरतीब हैं। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं पे रुकेंगी। तुम जाओ क्लब और तुम जाके क्लब में इंजॉय करो जाके, क्योंकि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारा मजाक बनाने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं वहाँ। तो जॉर्ज मिसेस पियर्सन से बोलते हैं कि तुम देखो ना, अभी घर पे कोई बैठा हुआ है और तुम इस तरीके से बात कर रही हो, कि क्या ये अच्छी बात है कि पड़ोसी सारी बातें हमारी सुन रहे हैं। मिसेस पियर्सन बोलती है हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिसेस फिट्ज़रॉय कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं पर ही रुकेंगी। तो जॉर्ज बहुत तेज गुस्से में चिल्लाता है कि ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे तुम बिल्कुल वैसा करो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी हमारी बात सुन रहे हैं, किसके सामने कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी है। जैसे ही जॉर्ज ने चिल्लाया, मिसेस पियर्सन तुरंत ही गुस्से में खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि अब अगर तुमने मेरे ऊपर चिल्लाया ना, तो मैं तुम्हारे इस मोटे से गोल से पेट में मैं एक मुक्का मारूंगी बहुत तेज़ तुमको। जैसे ही जॉर्ज ये बात सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और चुपचाप से चेयर पर बैठ जाता है। मिसेस फिट्ज़रॉय बोलती है अरे नहीं नहीं, तुमको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, ये सब गलत चीज़ें हैं। तो वो कहता है, तो मिसेस फिट्ज़रॉय यहाँ पे मिस्टेक कर देती हैं, वो मिसेस पियर्सन को मिसेस फिट्ज़रॉय बोल देती हैं, जिसकी वजह से ना जो जॉर्ज है ना वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसके अलावा जब जॉर्ज इस रूम पे आया हुआ था तो उसने मिसेस फिट्ज़रॉय को कुछ बोला नहीं था और डायरेक्टली आके अपनी चेयर पे बैठ गए थे। तो मिसेस पियर्सन जॉर्ज से ये भी कहती हैं कि ये तुम्हारा मैनर है क्या, अगली बार से जब तुम भी आओगे और अगर मेरी कोई फ्रेंड तुम्हें मेरे पास बैठी हुई मिलती है तो तुम उससे पहले कुछ अपना इंट्रोडक्शन दोगे, हाय हेलो करोगे, उससे बात करोगे, ऐसा नहीं कि तुम बस यूं ही आके बैठ गए हो। जॉर्ज को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तो डॉरिस अपने फादर की तरह देखती है, उसके फादर बोलते हैं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने खुद ही गिव अप कर दिया है। अब मिसेस फिट्ज़रॉय को ये फील होता है कि शायद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई इनके घर की और अब वो टाइम आ गया है कि जब हमें फिर से अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन मिसेस पियर्सन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती। मिसेस फिट्ज़रॉय उससे जॉर्ज से और डॉरिस से कहते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ी दो मिनट के लिए बाहर जाइए और जैसे ही मेरा काम फिनिश हो जाएगा मैं आपको बुला लूँगी, और क्योंकि मुझे ना मिसेस पियर्सन के साथ कुछ अकेले बात करनी है और नो डाउट कि आपको पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको अच्छा ही लगेगा। जॉर्ज बोलता है कि मैं तो अच्छा कर नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो डॉरिस को लेके जॉर्ज बाहर चला जाता है। उसके बाद मिसेस फिट्ज़रॉय मिसेस पियर्सन को बुलाती हैं, उनको अपने पास बिठाती हैं, उनका हाथ अपने हाथ के ऊपर रखती हैं, सेम उसी प्रोसेस से मतलब वो लोग पर्सनालिटी चेंज करते हैं जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम किया हुआ था। और यहाँ पे मिसेस फिट्ज़रॉय एक मंत्र पढ़ती हैं वो, और वो मंत्र होता है अरसट्टा डम अरसट्टा लंबनडोना, और इस मंत्र के साथ ही उनकी पर्सनालिटी फिर से एक दूसरे में चेंज हो जाती है। मीन्स अब रियल में मिसेस पियर्सन वैसी पैसे बन जाती हैं और मिसेस फिट्ज़रॉय वैसे ही पुराने तरीके की तरह बोर्ड बन जाती हैं। अब मिसेस फिट्ज़रॉय इनको बहुत समझाती हैं कि अब तुम पोलाइट मत होना, क्योंकि अब तो तुम्हारे अंदर मेरी स्पिरिट नहीं है, अगर तुम बिल्कुल ही पोलाइट होगी तो तुमने अभी तक अपनी फैमिली के साथ जैसा बिहेव किया है वो सब भूल जाएंगे, वो सब बेकार हो जाएगा तुम्हारा, और फिर से वो तुम्हें एज अ सर्वेंट समझने लगेंगे, तुम दिन भर बस उनके ऑर्डर लेती रहना और काम करती रहना। मिसेस पियर्सन बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद जो मिसेस फिट्ज़रॉय होती हैं वो जॉर्ज को आवाज़ देती हैं कि आप लोग अंदर आ सकते हो। जब ये लोग अंदर आते हैं तो मिसेस पियर्सन उनको देख के स्माइल पास करती हैं, और वापस में जो डॉरिस होती है वो भी स्माइल पास करती है, और लग रहा था कि चीज़ें अब ठीक होने वाली हैं। फाइनली बच्चे इनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहती हैं, तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि मुझे रमी का गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और आज हम सब साथ में बैठ के रमी का गेम खेलेंगे। ये इनके दोनों बच्चे एग्री हो जाते हैं। साथ में एक बात और मिसेस पियर्सन कहती हैं कि उसके बाद गेम के बाद मैं तुम्हारे पापा से कुछ बात करूँगी और तुम दोनों जाके खाना बना देना। डॉरिस और सीरियल इस बात से तैयार हो जाते हैं और जॉर्ज कहता है कि हाँ मुझे भी ये एकदम सूट करता है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मिसेस पियर्सन स्माइल करती हैं और मिसेस फिट्ज़रॉय को बाय बोलती हैं। अब मिसेस फिट्ज़रॉय उनके घर से गई हैं जब उन्होंने देख लिया है कि मिसेस पियर्सन एकदम स्ट्रिक्टली बिहेव कर रही हैं,
और जब ये पूरा ड्रामा फिनिश होता है तो उनके घर का माहौल मीन्स मिसेस पियर्सन के घर का माहौल एकदम ठीक हो चुका होता है और ये सब साथ में मिसेस पियर्सन के साथ बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे ही ये कर्टन गिर जाता है। तो आपने देखा कि मिसेस फिट्ज़रॉल्ड को अभी भी बिलीव नहीं था कि मिसेस पियर्सन सब कुछ ठीक कर पाएंगी, इसीलिए जब तक उन्होंने लास्ट में सारी चीज़ें देख नहीं ली तब तक वो वहाँ से नहीं जाती हैं। और इस तरीके से मिसेस पियर्सन ने अपनी फैमिली पे अपना कमांड कर लिया था। जैसा कि इस लेसन के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्ज़रॉल्ड साथ में बैठे हुए हैं एंड मिसेस फिट्ज़रॉल्ड अपने कार्ड समेट के रख रही होती हैं क्योंकि अभी वो मिसेस पियर्सन को उन कार्ड्स के थ्रू उनका भाग्य बता चुकी थी। और इस तरीके से ये लेसन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो आई एम श्योर बच्चों कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। एक फैमिली के बारे में है, बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है कि कैसे एक माँ अपने घर पे कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से अपना एटीट्यूड चेंज करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी समझ में आई या फिर नहीं आई। थैंक यू सो मच।